नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लंटा गलेक्सी पर दोस्तों आज हम लोग इंजीनियरिंग के दस सवाल सेक्शन में पार्ट सतासठ लेकर आए हैं इससे पहले छह साठ पार्ट हमारे सक्सेसफुल रहे हैं आप लोगों ने बहुत प्यार दिया तो आइए है विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी दोस्तों किस सरफेस फिनिश ऑपरेशन में हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी रहती है ऑप्शन ए लैपिंग ऑप्शन बी टर्निंग ऑप्शन सी ग्राइंडिंग ऑप्शन डी फाइलिंग दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए लैपिंग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वट इज द प्रोसीजर टू बिल्ड अप स्लिप गेजेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन दोस्तों एक पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए स्लिप गेज को अगर बनाना हो तो क्या प्रोसीजर रहता है ए स्टार्ट रिंगिंग विद स्मॉल स्लिप गेज ऑप्शन बी स्टार्ट रिंगिंग विद लार्जेस्ट स्लिप गेज ऑप्शन सी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑप्शन डी बिल्ड विद ग्रेड टू एक सही जवाब बताना है तो सही जवाब है ऑप्शन ए स्टार्ट एंडिंग विथ स्मॉल स्लिप केच नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच कटिंग टूल मटेरियल हैव लोएस्ट कटिंग एफिशियंसी दोस्तों किस कटिंग टूल मटेरियल की लोएस्ट एफिशियंसी है जो नीचे बताए है? है गए हैं ऑप्शन है सीमेंटेड कार्बन ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील ऑप्शन सी हाई स्पीड स्टील ऑप्शन डी डायमंड सही जवाब है बी हाई कार्बन स्टील आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ दीज इज ए सेमी सॉलिड टाइप ऑफ लुब्रिकेंट दोस्तों निम्निखित में से कौन सा एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेट है ऑप्शन ए ग्रीस ऑप्शन बी ऑयल ऑप्शन सी वैक्स ऑप्शन डी वाटर सुन सही जवाब ऑप्शन ए ग्रीस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए फिक्चर इज नॉट मैन टू डैश दोस्तों फिक्चर किस चीज के लिए नहीं है ऑप्शन ए लोकेट द वर्क। ऑप्शन बी होल्ड द वर्क ऑप्शन सी गाइड द टूल ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सही जवाब ऑप्शन सी गाइड द टूल दोस्तों जो फिक्चर है वो टूल को गाइड नहीं करता सिर्फ कंपोनेंट को लोकेट और होल्ड करता है दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल है पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ दिस इज ए नॉन मेटेलिक कटिंग टूल मटेरियल दोस्तों में से कौन सा एक नॉन मेटेलिक कटिंग टूल मटेरियल है ऑप्शन है ए हाई कार्बन स्टील ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील ऑप्शन सी सीमेंटेड कार्बोट ऑप्शन डी सिरामिक्स दोनों सही जवाब है ऑप्शन डी सिरामिक्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस स्टैंडर्ड हाई स्पीड स्टील कंटेन अठारह परसेंट डैश चार परसेंट क्रोमियम एक परसेंट मैनेडियम यानी दशमलव सात प्रतिशत कार्बन दोस्तों स्टैंडर्ड हाई स्पीड स्टील है उसमें अठारह परसेंट क्या रहता है वो बताना है ऑप्शन ए टंगस्टन ऑप्शन बी कोबाल्ट ऑप्शन सी मैग्नीस ऑप्शन डी मोलबानियम सही जवाब है ऑप्शन ए टंगस्टन ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दी कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील कंटेन बारह परसेंट डैश ट्वेंटी परसेंट टंगस्टन चार परसेंट क्रोमियम एंड वन परसेंट तो दोस्तों बारह परसेंट क्या रहता है कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील में ऑप्शन ए सिलिकियन कार्बेट ऑप्शन बी फस्फोरस ऑप्शन सी कोबाल्ट ऑप्शन डी मरकरी दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी कोबाल्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच करेक्टरिस्टिक इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल दोस्तों एक सिंबल दिखाया गया हमें बताना इसे क्या प्रदर्शित किया जा रहा है ऑप्शन ए एंगुलरिटी ऑप्शन बी पोजिशन ऑप्शन सी फ्लैटनेस ऑप्शन डी राउंडनेस दोस्तों सही जवाब ऑप्शन ए एंगुलरिटी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच करेक्ट्रिस्टिक इज इंडिकेटेड बाय द अल्फाबैट बी इन सिंपल चोन दोस्तों एक सिंबल दिखाया गया हमें बताना है कि इसमें बी से क्या प्रदर्शित किया जा रहा है ऑप्शन ए सरफेस पिच वैल्यू ऑप्शन बी ऑपरेशन रिकमेंडेड ऑप्शन सी सैंपलिंग लेंथ ऑप्शन डी डायरेक्शन ऑफ प्ले दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी ऑपरेशन रिकमेंडेड दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल है पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए पर कमेंट कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके दोस्तों आज हम लोगों ने इंजीनियरिंग के दस सवाल जॉब सेक्शन में पार्ट सतासठ के बारे में बात की तो उस तरह की वीडियो से हम लोग लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे तो बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर धन्यवाद